नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली स्टॉक की नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको इंट्राडे के लिए दो स्टॉक बताने वाला हूं, जिनमें आपको कल यानी थर्सडे के दिन एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, आपको काफी कुछ सीखने को मिल सकता है, तो वीडियो में आप बने रहें। आगे बढ़ने से पहले अगर तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइव मार्केट में उसको इंट्राडे की कॉल पोस्ट करता रहता हूँ, जिससे आप काफी कुछ सीख सकते हैं और काफी बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, मेरे जो भी कॉल होते हैं, चाहे मेरी यूट्यूब वीडियो की कॉल हो या मेरे टेलीग्राम चैनल की कॉल हो, सभी कॉल्स कैश अवेलेबल होते हैं, कोई फ्यूचर अवेलेबल नहीं होता। तो अगर अपने को वॉच करते हैं तो आप कैश के चार्ट पर वॉच करें। सभी कॉल्स मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से देता हूँ मेरे, इसमें आपको कोई भी बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं होती है। तो कृपया कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। आप चाहे तो आप इसमें पेपर ट्रेडिंग करके भी दे सकते हो, सिक्योरिटी ट्रेडर बन सकते हैं। चलिए देखते हैं, हमारे लास्ट वीडियो में दो स्टॉक थे, उनकी परफॉर्मेंस में कैसे देखने को मिली। दोस्तों, मैंने आपको जो पहला स्टॉक दिया था MCX का, देखिए MCX मैंने आपको बताया था अगर ये 1645 के नीचे जाएगा तो इसको सेल करेंगे, तो सेल कॉल तो हमारी पूरे दिन में कहीं भी एक्टिवेट नहीं हुई। और अगर बात करें बाई साइड, मैंने आपको बाई दिया था 1657 के ऊपर, तो यहाँ पर इसने अपनी पहली कैंडल हमारी बाई कॉल एक्टिवेट हुई। इसने ओपन किया 1650 पर, यहाँ पर हमारी आगे जाकर बाई कॉल एक्टिवेट हुई और इसने पहली कैंडल में हाई लगाया 1680 का, जिसमें हमारा सेकंड टारगेट हिट हो गया। अब बाद में स्टॉक आप देख सकते हैं कि रेंज में चलता रहा, लेकिन यहाँ पर आगे जाकर इसने हाई लगाया 1690 का, जो कि हमारा तीसरा अंतिम टारगेट था 1687 का। इसने हमारा तीनों टारगेट को हिट कर दिया बाई साइड में और एक बेहतरीन प्रॉफिट देखने को मिला। उम्मीद करता हूँ आपको MCX मूवमेंट जरूर से पसंद आई होगी। दोस्तों, बात करें अगर दूसरे स्टॉक में, आपको जो दूसरा स्टॉक दिया था ACC का, ACC मैंने आपको सेल दिया था 1555 के नीचे, तो यहाँ पर स्टॉक ने गैप डाउन ओपन किया। इसने ओपन किया 1547 पर, इसने हमारे फर्स्ट टारगेट से भी नीचे ओपन किया, जिसमें हमारी बाई कॉल एक्टिवेट, माफी चाहूंगा, सेल कॉल एक्टिवेट नहीं हुई। बात करें अगर बाई साइड में, आपको बाई दिया था 1568 के ऊपर। देखिए, इसने इस 5 मिनट की कैंडल, मैंने टाइम फ्रेम 5 मिनट का क्या होता है कि आप इसको देख के अच्छे से समझ सकें, इस 5 मिनट की कैंडल में ही स्टॉक ने यहाँ पर ओपन किया 1547 पर, स्टॉक ने हाई लगाया 1571 का। स्टॉक बिल्कुल भी सस्टेन हुआ नहीं, आप किसमें बाई कॉल, मैंने आपको बताया था अगर कम से कम 1 मिनट तक सस्टेन करेगा तभी आपको इसमें एंट्री करनी, स्टॉक सस्टेन नहीं हुआ। तो अगर आपने यहाँ पर, आपको एंट्री की चांस मिला नहीं। अगर बात करें एंट्री की, तो एंट्री आपकी देखिए इस कैंडल में यहाँ पर हुई प्रॉपर ढंग से, इसने हाई लगाया 1570 का। यहाँ पर हमारी कॉल एक्टिवेट होने के बाद स्टॉक लो जरूर लगा इसने 1560 का, लेकिन इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस था 1558 का था, तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। बाद में इस स्टॉक ने यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई लगा 1582 का, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट था 1578 का, इसने हमारे फर्स्ट टारगेट को हिट कर दिया। तो ये दोनों स्टॉक के लिए देखते हैं, जो दो स्टॉक कल के लिए हैं वो कौन से हैं। हमारा पहला स्टॉक हिंदुस्तान बैंक का, देखिए हिंदुस्तान बैंक स्टॉक देख सकते हैं बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास, इसने बिल्कुल टॉप पे यहाँ पर क्लोजिंग दिया। आप देख सकते हैं इसका ये जो रेंज है 860 का, अगर इस यहाँ से रेंज से बाहर निकलता है, स्टॉक रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है अपसाइड में जाता है, तो इसको हम बाई करेंगे। 863 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 854 का, फर्स्ट टारगेट हमारा 871, सेकंड टारगेट 879, अंतिम टारगेट रहेगा 887 का। अगर यहाँ से हिंदुस्तान बैंक नीचे क्यों निकलता है, तो इसको हम सेल करेंगे 853 के नीचे, स्टॉप लॉस है हमारा 861 का, फर्स्ट टारगेट हमारा 845, सेकंड टारगेट 837, अंतिम टारगेट रहेगा 829 का। दोस्तों, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो ओपन कर सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाइए, यहाँ पर आपको दो लिंक मिलेंगे, स्टॉक्स का, दूसरा एंजल ब्रोकिंग का, दोनों ही अच्छे ब्रोकर हैं, तो डिस्काउंट ब्रोकर, आप दोनों में से किसी अपना अकाउंट ओपन करके आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको एक और बेनिफिट मिलेगा, जब मेरे देंगे लिंक पर अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो मैं आपको अपने पर्सनल ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहाँ पर आपको लाइव मार्केट में इंटरडे कुछ कॉल्स मिलेंगे, आपको मेरा पूरा सपोर्ट मिलेगा, तो उससे भी आप एक अच्छा बेनिफिट ले पाएंगे। हमारा अंतिम स्टॉक है SRT का, देखिए आप SRT बिल्कुल एक रेंज में है, आप देखते हैं इस रेंज के अंदर, इस दोनों कैंडल के अंदर स्टॉक ने ट्रेड किया हुआ है। अगर इस रेंज से बाहर निकलता है, स्टॉक अपसाइड में जाता है, तो इसको बाई करेंगे 970 के ऊपर, स्टॉप लॉस रहेगा 960 का, फर्स्ट टारगेट हमारा 980, सेकंड टारगेट 990, अंतिम टारगेट रहेगा 1000 का। अगर SRT नीचे क्यों निकलता है, तो इसको हम सेल करेंगे 957 के नीचे, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 967 का, फर्स्ट टारगेट हमारा 947, सेकंड टारगेट 937, अंतिम टारगेट रहेगा 927 का। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है, रोजाना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती है, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।